गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। जामा मस्जिद में रहा जश्न का माहौल, पहले दौर की तरावीह हुई खत्म। जामा मस्जिद में दो पारा वाली तरावीह चल रही थी, आखिरकार रविवार को एक कुरान मुकम्मल हो गया। इस मस्जिद में सोमवार से दोबारा कुरान शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल रमजान महीने में रात की नमाज के बाद विशेष नमाज तरावीह में कुरान का पाठ किया जाता है। पूरे रमजान में कम से कम एक बार कुरान का पूरा होना जरूरी माना जाता है। कुरान में 30 पारे भाग होते हैं। कुछ मस्जिदों में एक पारा रोज पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में एक ही बार कुरान पूरा हो पाता है। ज्यादा से ज्यादा बार कुरान पूरा होने के नजरिए से 2-5 पारे रोज वाली तरावीह पढ़ाए जाने की परंपरा है। एक वजह ये भी होती है कि एक पारा वाली तरावीह में यदि कोई शख्स एक रोज भी मस्जिद नहीं जा पाया तो उसका कुरान अधूरा रह जाता है। मस्जिद में रहा जश्न का माहौल, पहले दौर की तरावीह खत्म होने के बाद रविवार को जामा मस्जिद में जश्न का माहौल रहा। हाफिज वकार साहब को लोगों ने नजराना ए अकीदत पेश किया। इसमें कपड़े और पैसे तोहफे में दिए गए। तरावीह खत्म, सोमवार से दूसरे दौर की तरावीह शुरू कर दी जाएगी। यहां आज खत्म होगी तरावीह, पहले दौर की तरावीह में रविवार को जश्न ऐसा माहौल देखने को मिला, इसलिए एक दिन यहां बढ़ाया गया है। रमजान के पहले जुमे में मस्जिदों में उमड़ा हुजूम। रमजान के पहले जुमे को मस्जिदों में नमाजियों का हुजूम उमड़ पड़ा। नमाज से पहले मस्जिदों के इमाम शकील मौलाना साहब ने रमजान की फजीलत पर तकरीर दी। इस मौके पर मौलाना शम्स तबरेज ने बयान किया कि रमजान के महीने में कुरान नाजिल हुआ था, इसलिए रोजेदार चाहिए कि पाबंदी से कुरान की तिलावत करें। उन्होंने कहा कि लोगों को बराबरी से तरावीह पढ़नी चाहिए, साथ ही अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ हाफिज़े कुरान भी बनाएं। मौलाना अरमान राजा साहब ने कहा, मुकम्मल हुआ है, सोमवार से सूरह तरबी शुरू हो जाएगा। इस मौके पर मौजूद लोग मोहम्मद सफीक अब्दुल कारी सिद्दीकी, हाजी हाफिज आलम इरफान सभासद, हाफिज दानिश राजा साहब, मोहम्मद शाहिद नूर कैसर, आफ्ताब आलम, मोहम्मद इसरार सिद्दीकी इत्यादि लोग मौजूद थे। आज जामा मस्जिद सैदपुर में जो तरावीह मुकम्मल खत्म हुआ है, इसके बीच में हमको जानकारी दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तरावी जो ही रमज़ान का चांद निकल आता है उस दिन से लेके के ईद उल फितर के चांद निकलने तक तरावी होती है, लेकिन सैदपुर की जामा मस्जिद में चांद रात से लेके आज यानी 14वीं तरावी की शब को ख़त्म कुरान की तरावी हुई। इसके बाद भी तरावी सूरह तरावी होती रही, ये ख़त्म कुरान की तरावी आज मुकम्मल हुई। क्या इसके बाद तरावी जो महत्व होता है, इसके बाद जो सूरह तरावी शुरू होगा, क्या उतना ही मायने रखेगा? बिल्कुल, वो कुरान के सुनने की फजीलत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन सुन्नत तरीका यही है कि ईद उल फितर के चांद निकलने तक तरावी पढ़ी जाए।